गदरपुर में मजदूरों को मजदूरी न मिलने के विरोध में भाजपा विधायक अरविंद पांडेय थाने में सांकेतिक रूप से धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मजदूरी का भुगतान होने के बाद विधायक ने धरना समाप्त किया। सुनिए इस दौरान भाजपा विधायक ने क्या कुछ कहा है। ऐसे काम त्वरित होने चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए और ये हम लोगों को और भी कई काम होते हैं, ये धरना प्रदर्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए जी। लेकिन ये मात्र इसीलिए है कि जब गरीबों को सही वक्त पे न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ित को सही समय पे न्याय नहीं मिलेगा तो जो पीड़ित है इसीलिए दिशाहीन हो जाता है। कोई मोटर चोरी करके अपने खर्चे चलाने चालू कर देगा, कोई नशे में भटक जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज बदनाम होना चालू हो जाता है जी। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, मैं आज यहाँ जो बैठा हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि नई उम्र के बच्चों को, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को न्याय सही समय पर मिलना चाहिए ताकि उनको किसी गलत काम को ना अपनाना पड़े, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए जी। बस इतना विषय है, बाकी जमीन का मालिक कौन है मैं उसको नहीं जानता। बता दें कि सोमवार को भाजपा विधायक समर्थकों के साथ गिरधन नगर निवासी सोमपाल और उसकी पत्नी सोनाली के साथ थाने पहुंचे थे। वहां दंपति ने बताया कि उन्होंने गिरधन नगर निवासी सचिन के साथ मिलकर बलराम नगर निवासी हरीश गुंबर नामक व्यक्ति की 15 एकड़ कृषि भूमि के चौथे हिस्से में धान की फसल बोई थी। फसल पककर तैयार हो गई तो हरीश गुंबर ने उनको हिस्सा देने से मना कर दिया। मजदूर दंपति की व्यथा सुनकर विधायक सोमवार को थाने पहुंचे और सांकेतिक धरने पर बैठ गए। अब हम आपको विधायक का वो वीडियो भी सुनाते हैं जिसमें भाजपा विधायक ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई और क्या कुछ कहा है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पति पत्नी हैं जी और इनके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे। दिहाड़ी पे नहीं जाएंगे उस दिन इनको खाना नहीं मिलेगा जी। ऐसे लोगों ने किसी से ठेके पे लेके धान बोया और जब धान की फसल खड़ी होकर तैयार हो गई तो खेत के मालिक ने चोरी छिपे उसको काट लिया जी। अब अपने उस धान में जो इनका हिस्सा बनता था उसके लिए जी, और वो ना मिले तो हमें दिहाड़ी मिल जाए, इस मांग के लिए ये पति पत्नी 7-8 दिन से लगातार मेरे ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। और मैंने यहाँ के पुलिस वालों को बोला, यहाँ के SO को बोला, लेकिन 7-8 दिन इस पति पत्नी ने कोई काम धाम नहीं किया, दिहाड़ी भी नहीं गए जी। और पुलिस से सही दोनों पक्षों को बैठा के इसका समाधान ही निकाला गया जी। तो कहीं ना कहीं अगर जो ऐसे छोटे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को थाना न्याय नहीं देगा, पुलिस से इनको न्याय नहीं मिलेगा और ये लोग दिहाड़ी पर नहीं जाएंगे तो निश्चित ही ऐसे लोग दिशाहीन होकर भटक के कोई नशे में लग जाता है, कोई चोरी छिकारी के काम पे लग जाता है तो कहीं ना कहीं समाज दूषित हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।